कहना चाहेंगे, राम मंदिर का निर्माण सही हो रहा है या गलत है? तो वास्तविक गलत, क्योंकि वहाँ बाबरी मस्जिद थी जी, बाबरी मस्जिद को तोड़ के पूरा राम मंदिर बना रहे हैं जी जी, ये तो गलत है। अच्छा ही हो रहा है, रोजगार हर चीज बढ़ेगा हमारे लिए, फायदा जनता के लिए सब फायदा ही रहेगा। जैसे महिलाएं बच्चा हो जाता है पेट में तो ले जाने में लाने में जाम भीड़ वगैरह बहुत लगती थी। क्यों धर्म से होकर आप इस बात से सहमत है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो भाई इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर बन रहा है, सबके लिए बन रहा है, सबका फायदा होगा इससे जी। मुआवजा मिला है, फिर दिक्कत किस बात की? तो मतलब मुआवजा ठीक ठाक मिला सबको। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं ये भी न्यूज, मैं अतुल वर्मा अयोध्या से। प्रेजेंट टाइम में हम लोग आज आ चुके हैं अयोध्या के इस धरती पे, और जानते हैं अयोध्या में जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो भाई यहाँ के लोगों के मन में क्या है और किस प्रकार से क्या अपना विचार रखते हैं इस डेवलपमेंट को लेकर, और आने वाले समय में और हमारी अयोध्या किस तरीके से दिखने वाली है, तो यही के लोकल लोगों से हम जानना चाहते हैं कि अयोध्या में किस प्रकार से विकास हो रहा है और ये इस विकास से अपने आप में सहमत है या नहीं। तो चलते हैं कुछ लोग से और जानकारी लेते हैं। पहले हम लोग आ चुके हैं अयोध्या से, एकदम जुड़ा हुआ ये गाँव है हैबतपुर। तो भाई यहीं के लोगों से हम जानना पहले स्टार्ट करेंगे कि यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ के जो लोग हैं, इस अयोध्या के डेवलपमेंट से क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे साथ हैं एक महान भाव, इनसे ही पूछते हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम चांद मोहम्मद है। क्या नाम है? चांद मोहम्मद। चांद मोहम्मद जी, ये बताइए यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, इस प्रकार से इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक ही हो रहा, विकास प्राधिकरण अच्छा तो हो रहा, काम कर रही है। हाँ, काम अच्छा हो रहा आपके हिसाब से। तो ये बताइए भैया, आप जैसे कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ये परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में ढेर सारी बिल्डिंग वगैरह घर वगैरह ध्वस्त हुए हैं, तो इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब यही कहेंगे कि रोड से काफी मतलब जो मकान बनवाए थे जी, अब भाई तो जाहिर सी बात है फोर लाइन बनेगा तो भी मकान तो जाएगा जी। भाई उनको मुआवजा मिला है, फिर दिक्कत किस बात की? तो मतलब मुआवजा ठीक ठाक मिला सबको? हाँ बिल्कुल मिला, आप इंक्वायरी कर लीजिए जाके जिन जो भी है मतलब मुआवजा देना जी जी। जैसे कि मुआवजा कह रहे हैं भैया ठीक ठाक मिला है, तो भाई इस चीज से अगर कहीं पे डेवलपमेंट होगा तो बिना विनाश के बिना विकास होना पॉसिबल नहीं है, तो भाई इस चीज के लिए ये सहमत है कि यहाँ पे सही हुआ। हम आ चुके हैं अयोध्या से एक जुड़े हुए एक गांव में, जो कि सहनवाजपुर गांव है। यहाँ पे हमारे सामने बाबा जी बैठे हैं और इनसे ही जानते हैं कि ये किस नजर से देखते हैं हमारे अयोध्या के डेवलपमेंट को, जो कि भाई कहा जाता है कि ये बुजुर्ग हैं, तो भाई इनके अयोध्या के इतिहास के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है, तो जानने की कोशिश करते हैं बाबा जी से। तो बाबा जी सबसे पहली बात ये बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का निर्माण सही हो रहा है या गलत है? तो वास्तविक गलत, क्योंकि वहाँ बाबरी मस्जिद थी जी, बाबरी मस्जिद को तोड़ के पूरा राम मंदिर बना रहे हैं जी जी, ये तो गलत है। तो मतलब जैसा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाबा जी ये हल निकला है, तो हल निकला है वहाँ जब रुपया दे दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट ले दे। अच्छा, दूसरे के धन दे भैया जी जी जी, ये कोनो जरूरी नहीं कि ना दे। अच्छा, जैसे कहने मतलब कि वहाँ पे आपके हिसाब से कि बाबरी मस्जिद बनना था और क्या। अच्छा, तो इसके बारे में बाबा जी ये बताइए, बाबरी मस्जिद आपके जानते समय कब वहाँ पे थी? बहुत जमाने का है वो बाबरी मस्जिद, आज के नहीं है जी जी, नवा बना गया है जी। हम तो पैदा न रहे, 80 साल के हो गए तब के उके आगे बना है जी जी, हम कहाँ से बताए जी कि कब के बना है। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए बाबा जी, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये जो राम मंदिर का जो जगह है, वही जगह आप लोग के जैसे मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं उनको भी जगह दिया गया है? ऐसा है कि पहले हुआ सीतक रोसैया रहा जी, समझो आप जी जी, सीतक रोसैया रहा, अब उसका राम मंदिर बना दियो, चाहे जन्म भूमि बना दियो, चाहे जौन बनाओ, तुहार मर्जी जी जी, क्योंकि आपकी सरकार है जी, आप जिसको चाहे उसको दीजिए, जिसको चाहे न दीजिए जी। तो जैसे यहाँ आप लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको जमीन कहाँ पे दिया गया है? जमीन तो नवराही के पास सुने ने भैया, हाँ, तो बाद खबर मत यो सुने ने, हाँ, कि वह पार दिए थे मुस्लिम लोग, जहाँ पाता है अपन हुआ जाइए। अच्छा, तो ये कुछ अनुमान पता है कितना जमीन वहाँ पे मिला है? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, वहाँ पे कुछ काम वगैरह शुरू हुआ कि अभी? कुछ नहीं। तो सरकार सपोर्ट कर रही है कि नहीं अभी? क्यों नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। तो मतलब आप इस सरकार से मतलब प्रसन्न है कि भाई क्या कहना चाहते हैं, अपना विचार बताइए। भाई जो सरकार है, अब हम अपन का बता दी कि जी जी, दे ना दे, करे ना करे सपोर्ट जी, हम उनके जिम्मेदार हैं? नहीं नहीं, सही कह, सरकार जिम्मेदार है, जैसे करे वैसे ठीक है,
जैसे बीत जाए वैसे ठीक है। हम लोग आ चुके हैं इस एक और जगह को विजिट करने, जो कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, जो कि अयोध्या से एकदम सटा हुआ है। तो भाई यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या का विकास ये किस नजरिए से देखना चाहते हैं। तो ये भैया हमारे सामने, इन्हीं से पूछते हैं, क्या नाम भैया आपका? अब्दुल ख्वाजा रजा। अब्दुल ख्वाजा रजा, ख्वाजा रजा। तो भैया ये बताइए कि अयोध्या में जो विकास हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे विकास तो बढ़िया हो रहा है जी। हाँ, और जो मतलब यहाँ पे चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा। मतलब आप जैसे एक मुस्लिम धर्म से होकर आप इस बात से सहमत है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो भाई इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर बन रहा है, सबके लिए बन रहा है, सबका फायदा होगा इससे। जी जी, यहाँ पे सबका रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, काम अच्छा होगा जी। तो भैया ये बताइए कि अयोध्या में जैसे कि मंदिर बन रहा है, वहाँ पे जो मंदिर आप लोग के, हम लोग यहाँ जैसे हिंदू धर्म के लिए मंदिर बन रहा है, तो मुस्लिम धर्म के लिए जो मस्जिद में जगह दी थी वो कहाँ पे दी गई थी? वो सहावल में दी गई थी, सहावल में। हाँ, तो ये बताइए सहावल में वहाँ पे मस्जिद पे कुछ काम वगैरह शुरू हुआ कि अभी नहीं? अभी नहीं शुरू हुआ, अभी नहीं शुरू हुआ। तो इसका पीछे मतलब क्या है, गवर्नमेंट मतलब साथ नहीं दे रही या ऐसा कुछ है? अभी तो कुछ कहा नहीं सकता भैया, गवर्नमेंट कुछ साथ दे रही है। हाँ, और कुछ भी नहीं भी। अच्छा अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि हाँ सपोर्ट बनाया जा रहा है। हाँ, उसका जा भी तो कुछ उम्मीद है कब तक फिर इसका भी काम चालू हो सकता है? हाँ, हो सकता है काम। हाँ, काम चालू हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात है भैया। जैसे कि भैया ने बताया कि जो कि मस्जिद के लिए भी जगह काफी ठीक ठाक जगह दिया गया है, और वहाँ का भी काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो भैया अगर ये अयोध्या से आप हैं, तो अयोध्या में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, इसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होने वाला है? यहाँ पे भैया देखिए रोजगार ज्यादा होगा। जी जी। हाँ, तो आदमियों का मतलब कि यहाँ पे काम ज्यादा बढ़ेगा। जी जी। हाँ, जिससे जनता सब खुश है यहाँ। जी जी जी। कोई जनता को यहाँ दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं। तो मतलब अयोध्या के डेवलपमेंट से यहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हैं। हाँ, तो भाई इस चीज को देखते यही लगता है कि अयोध्या अब जल्द ही तरक्की पे आने वाली है। और जैसा कि देख सकते हैं इस जो कि हम इस रिव्यू में और भी आगे बढ़ते हुए आ चुके हैं एक और जगह को दिखाने के लिए, जो कि हमारे साथ हैं ये महान भाव जी। इन्हीं से पूछते हैं कि ये किस नजर से अयोध्या को डेवलपमेंट को देखते हैं। तो भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम है फजल। फजल, तो फजल जी ये बताइए, आप जो अयोध्या में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतना अच्छा कार्य हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सच है, जो मतलब जो हो रहा सही हो रहा है, वह हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है। रोजगार हर चीज बढ़ेगा हमारे लिए, फायदा जनता के लिए सब फायदा ही रहेगा। तो जैसा कि कहने का मतलब ये भैया, ये नौ युवक जो है उनके लिए क्या फायदा है? वो भी सब सही है, सही है, उनको भी रोजगार मिलेगा। तो जैसा कहने के मतलब ये है कि भाई उनको भी रोजगार मिलेगा। तो अगर भैया राम मंदिर की बात करते हैं कि राम मंदिर इतना अच्छा भव्य तरीके से बन रहा है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे ये हिसाब से है, जो राम मंदिर बन रहा है जी जी, उसके लिए वो ठीक है जी। वो सब जो जैसे है सब, उसके लिए सब हर चीज, उनके रोजी रोजगार सब सही रहेगा, सब सही रहेगा। तो कहने का मतलब अगर अयोध्या में राम मंदिर बन रहा, तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट अयोध्या का मंदिर से ही होगा। तो भैया भी हमारे सामने इनसे ही पूछेंगे, तो भैया आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं अयोध्या को? हमने यहाँ के तो अयोध्या वासी तो है ही है फिलहाल जी जी, बाकी तो जो है सब ठीक ही हो रहा है, ठीक ही हो रहा है। और ये जो रोड डलरब हो रही है, इससे जो है जनता को भी बहुत परेशानी होती थी, अब जितनी रोड डेवलप हो जाएगी वो सारी जनता के लिए भी ठीक रहेगा जी। और महिलाओं के लिए भी ठीक रहेगा कि महिलाओं के पेट में गर्भवती भी, जैसे महिलाएं बच्चा हो जाता है पेट में, तो ले जाने में लाने में जाम भीड़ वगैरह बहुत लगती थी। बहुत बढ़िया काम योगी जी कर रहे हैं। भैया अगर गवर्नमेंट की बात किया जाए, जो योगी गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में है, वो युवा के लिए क्या कर रही है? वो युवा के लिए बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, उसके बाद इस चीज से सहमत हैं? हम एकदम सहमत हैं, मुस्लिम हैं मगर तभी भी हम सहमत हैं। जी भैया, बहुत अच्छी बात है भैया, क्योंकि देखिए प्रेजेंट टाइम में कुछ मुद्दों को लेकर जो आपसी विवाद होती रहती है, इस विवाद को खत्म ही करके एक आपस में भाईचारा बनाए रखना, जैसा कि भैया का जो विचारधारा है, ये कह रहे हैं कि भाई योगी गवर्नमेंट जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो भाई इसी प्रकार से और भी लोग से ये रिव्यू जारी रखेंगे और लोग से जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं और आगे और आपको दिखा। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अयोध्या के एक और क्षेत्र में, जो कि अयोध्या से एकदम जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो विकास कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। तो यहाँ के एक बच्चे से हम पूछना चाहेंगे कि इनके नजर से अयोध्या में जो विकास हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो आपका क्या नाम है? समीर। समीर, तो समीर जी ये बताइए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इतने अच्छे अच्छे से कार्य संपन्न किए जा रहे हैं, अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? राम मंदिर बनना चाहिए कि राम मंदिर बनना अच्छी बात है? अच्छी बात है, बनना चाहिए जी। तो इस पे आप किस नजर से आप देखते हैं राम मंदिर अगर बन रहा है, इससे क्या फायदा होने वाला है? अब राम मंदिर बनेगा, फायदा तो होगा जी,
तो जैसा कि कहने का मतलब ये है कि आप तो मुस्लिम धर्म से हैं, तो आप राम मंदिर को सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते हैं? करते हैं, अब यहाँ पे हैं तो सपोर्ट तो करना चाहिए। जी जी, इन्होंने भी बताया कि काफ़ी अच्छी बात कि इनके नज़र से भी राम मंदिर का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से है और बहुत अच्छे तरीके से किया भी जा रहा है, तो ये होना चाहिए।